हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज ज्योग्राफी का ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, यहाँ से आप ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे और समझेंगे कैसे ज्योग्राफी में हम अपनी एक इंटरेस्ट जगाएं और कैसे ज्योग्राफी में अपनी एक कमांड बनाएं। तो आइए देखते हैं हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सो माय फर्स्ट टॉपिक इज ग्लोब। व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या है कि एक आपका जो है जो हमारी अर्थ है, अर्थ का एक जो है मॉडल है, एक जो है स्फेरिकल मॉडल है। तो ग्लोब क्या है? एक स्फेरिकल रिप्लिका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अर्थ जैसा ही एक हमने बनाया है आर्टिफिशियल, जिसे हम लोग ग्लोब बोलते हैं। और इसे हम लोग यहां से देखिए, ये यहां पे मैंने लगाया है, ये दिस इज नोन एज ग्लोब, ये ग्लोब है। अब इसको ये ग्लोब इज ए स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ, इट इज ए थ्री डायमेंशनल मॉडल। तो थ्री डायमेंशनल मॉडल है। थ्री डायमेंशनल मतलब कि जो 3D स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारी लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये तीनों चीजें होती है। जो 3D मॉडल होता है उसमें वॉल्यूम होता है, और जो 2D मॉडल होता है उसमें सरफेस एरिया होता है, लेंथ विड्थ होती है, हाइट नहीं होती है या थिकनेस नहीं होती है। तो ग्लोब क्या है? 3D मॉडल है। पूछा जा सकता है कि ग्लोब कितने मॉडल है, क्या कितने डायमेंशन है ग्लोब में? तो देयर आर 3 डायमेंशंस। अर्थ शेप इज जीवाइड। अर्थ का जो शेप है वो जीवाइड शेप का है, बिकॉज द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर। जो अर्थ है वो हमारी जो पोल है, यानी कि अगर आपका ये स्फेरिकल कोई स्ट्रक्चर है तो इसका जो पोल है ये हमारा एक नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। तो जो पोल है यहाँ पे फ्लैट है, और जो ये इक्वेटर है यानी कि जो सेंटर वाला जो ये पोर्शन रहेगा हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर बल्ज है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका अर्थ हमारी इस तरीके से है, दिस। अब इसमें क्या है कि अर्थ का रोटेशन होता है, इसकी एक्सिस के अबाउट। तो ड्यू टू रोटेशन और स्पिन इन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इसकी जो खुद की एक्सिस है, ओन एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेशन होता है। तो यहां पे क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं, दे आर द फोर्स विच एक्ट आउटवर्ड द फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से वो बाहर की ओर लगते हैं। जैसे बाहर की ओर फोर्स लगेंगे जिन्हें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अब केंद्रीय बल जब बाहर की ओर लगते हैं तो यहां पर एक स्ट्रेच होगा, तो ये जो हमारा ये जो सेंटर इक्वेटर वाला पोर्शन है ये थोड़ा ऐसे हो जाता है इस साइड ऐसे, और जो पोल पे है यहाँ पे फ्लैट हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा फ्लैट हो जाता है। इसीलिए आप जब अर्थ की रेडियस को मेजर करेंगे, उसकी त्रिज्या को देखेंगे, तो इक्वेटर पे जो अर्थ की त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, वो बड़ी होती है, और जो पोल पर होती है वो छोटी होती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट हो गया है, यहाँ पे कुछ चपटा हो गया है, और जो यहाँ पे जो इक्वेटर है यहाँ पर उभार आ गया है, बल्ज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते हैं, क्योंकि अर्थ हमारी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, स्पिन करती है। तो इस वजह से अर्थ की जो शेप है वो हमारी क्या है? जीवाइड शेप की है। जीवाइड शेप कैसे होती है? कि इट इज फ्लैटेंड एट पोल एंड बल्ज एट इक्वेटर। सो आपसे पूछा जाए तो अर्थ की शेप कैसे है, तो आपका आंसर है जीवाइड शेप। जीवाइड शेप का मीनिंग क्या होता है? जो ऐसी आकृति, ऐसी गोलाकार आकृति जिसके पोल पर क्या हो? फ्लैट हो, और इक्वेटर पर क्या हो? बल्ज हो, उभरा हुआ हो। तो ये हमारा ग्लोब होता है, और ये ग्लोब हमारा यहां पे दिखाया गया है। अब यहां से ग्लोब पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लोब पर अगर हम अब दूसरा क्वेश्चन देखें, एक तो हमने आपको शेप के बारे में बताया, अब दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी जो एक्सेस है, तो ग्लोब की जो एक्सेस है वो दिस इज द एक्सेस ऑफ ग्लोब,
जो हमारी ग्लोब की एक्सेस है वो ऐसे है, जबकि जो वर्टिकल है या वर्टिकल एक्सेस है, हम कह सकते हैं जो वर्टिकल है वो ऐसे होगा, और जो ग्लोब की एक्सेस है या अर्थ की जो एक्सेस है वो इस तरीके से इंक्लाइंड है, थोड़ा झुकी हुई है। तो ये हमारी इस तरीके से झुकी हुई है। तो अब आप यहां से ये देख सकते हैं कि जो वर्टिकल है, जो वर्टिकल ये एक्सेस है और ये हमारी अर्थ की एक्सेस है, तो इनके बीच में ये एंगल बनता है। अब ये एंगल पूछा जाता है कि एंगल कितना होता है, तो दिस एंगल की जो वैल्यू है इस एंगल की वो 23 एंड हाफ डिग्री होता है। इसका ये एंगल, तो यहां से एंगल 23 एंड हाफ होता है। लेकिन अगर इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, या जो इसका जो प्लेन ऑफ रोटेशन है, जो अर्थ हमारी रोटेट करेगी तो ये इस तरीके से रोटेट करेगी ऐसे, तो इसका जो प्लेन होगा जो कि हॉरिजॉन्टल होगा ऐसे, तो उस प्लेन से अगर एंगल पूछा जाता है तो प्लेन से ये एंगल होता है 66 एंड हाफ डिग्री। तो अब आपको याद रखना है कि जो अर्थ है वो जो रोटेट कर रही है, तो वो रोटेट का जो एक्सेस है उससे एंगल अगर पूछता है अर्थ की एक्सेस का, तो वो 23 एंड हाफ रहेगा। और अगर अर्थ के रोटेशन के प्लेन से पूछता है तो प्लेन से ये 66 एंड हाफ डिग्री रहेगा। तो ये नीचे वाला जो एंगल है ये 66 एंड हाफ डिग्री है, और ऊपर से जो एंगल है वो 23 एंड हाफ डिग्री एंगल है। तो ये यहाँ पे अर्थ की एक्सेस जो है उसके लिए ये दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, मैप है। मैं आपको इसके आगे और एक है, ये हमारा एटलस है। तो ये जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें तीन चीजों को पढ़ना है, ग्लोब को, फिर उसके बाद मैप को, और फिर उसके बाद एटलस को। तीन चीजों को जाने बगैर आप ज्योग्राफी को समझ नहीं सकते। तो आपको ग्लोब को समझना है, मैप को समझना है, फिर एटलस को समझना है। तो यहां पर हमने ये मैप लिया है, ये मैप है वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। मैप मुख्यतः ज्योग्राफी को समझने के लिए आपको दो प्रकार के पढ़ना है, एक तो पॉलिटिकल मैप और एक फिजिकल मैप, भौतिक मैप। तो पॉलिटिकल मैप है, इसके बारे में हमने पिछले भी लेक्चरों में बताया है कि जो पॉलिटिकल मैप होते हैं इसमें सिटी जो कंट्रीज हैं उनकी बाउंड्रीज होती हैं, उनकी सिटीज होती हैं, और उनकी जो कैपिटल्स वगैरह होते हैं, मेजर सिटी होती है, उसको दिखाया जाता है। और जो फिजिकल मैप रहेगा उसमें ओशियन है आपका, माउंटेन रेंज है, रिवर है, डिजर्ट है, प्लेन है, ग्रासलैंड है, इस तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं। तो ये हमारा क्या है, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है। अब ये जो मैप होता है, ये जो ग्लोब है उसी का टू डायमेंशनल फिगर है। जैसे ग्लोब थ्री डायमेंशनल था और ये मैप टू डायमेंशनल है, क्योंकि इसको हमने फ्लैट, एक जो है फ्लैट बना लिया है, एक हम समझ सकते हैं कि जो हमारा एक प्लान है उस पर हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, जिसमें इसकी क्या रहेगी, लेंथ रहेगी और ये हाइट रहेगी, इसमें थिकनेस नहीं रहेगी। तो जो हमारा मैप है ये टू डायमेंशनल फिगर है। मैप क्या है हमारा, दिस इज 2D फिगर, इसमें हमारा लेंथ रहेगा और हाइट रहेगी। नेक्स्ट, अब हमारा आता है एटलस। एटलस क्या होता है, एटलस हमारा जो होता है ये मैप का कलेक्शन होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे मैप होते हैं, उसकी एक बुक होती है ये, जिसे हम लोग एटलस बोलते हैं। इसमें हम इंडिया का मैप पा सकते हैं, इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल, वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल, फिर इसके कुछ मैप ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को कंसर्न होते हैं, जैसे रेनफॉल का जो है कि कहाँ कितनी बारिश होती है, कम ज़्यादा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंडिया में क्या है, पूरे वर्ल्ड में क्या है, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस तरीके के पर्टिकुलर जो टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड ये मैप होते हैं। तो कई प्रकार के मैप होते हैं, उन सब का कलेक्शन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एटलस। जो भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं उन्हें एटलस जरूर खरीदना चाहिए। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट एटलस है, जैसे आपका ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस चलता है, ऑक्सफोर्ड का चलता है, और भी बहुत सारे हैं, आप कोई भी एक एटलस लेकर के एटलस अपने स्टडी के दौरान जरूर रखें, क्योंकि एटलस से ही आप जो है जो बहुत ही बारीक जानकारियां हैं, जैसे जैसे कोई लेक है, कोई रिवर है, कोई भी जो है
ज्योग्राफी से जुड़ी हुई प्लेस है, लोकेशन है, उसको आप एटलस पर देख सकते हैं। इसलिए एटलस क्या है? एन एटलस इज ए बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। मेनी एटलस आल्सो कंटेन्स फैक्ट्स एंड हिस्ट्री अबाउट सर्टेन प्लेसेस। एटलस में कुछ ऐसे एटलस भी होते हैं जिसमें किसी प्लेस के लिए हिस्ट्री, उसके जो है और कुछ उसके जो फैक्चुअल चीजें होती है उसकी भी जानकारी रहती है। इसलिए हमने यहाँ पे देखा तीन चीजें, हम जब आए तो ग्लोब, ग्लोब के बाद मैप और मैप के बाद एटलस। तो ये ज्योग्राफी के सबसे पहले तीन चीजें है आपकी, ग्लोब, मैप, एटलस। इसके बाद अब हम आते हैं अपनी इस स्लाइड पर, व्हाट इज लैटिट्यूड। अब हमको समझना है कि लैटिट्यूड क्या है। सो लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से हमको मेजर करना है एंगल। लेटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस, क्या है ये? एंगुलर डिस्टेंस है। कहां से मेजर की जाएगी? अर्थ के सेंटर से मेजर की जाएगी, टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ के सर्फेस तक मेजर की जाएगी। जैसे ये हमारा यहां पर है, अब इसमें अगर हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा मान लीजिए सेंटर हो गया अर्थ का, अब इस सेंटर से हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये ड्रॉ करिए, तो ये पॉइंट जो हमको मिला अर्थ की सरफेस पर, ये क्या है? अर्थ सरफेस है, ये सरफेस है अर्थ की, ये पृथ्वी की सतह है। सतह पर कोई हम पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट का जो अर्थ, जो पृथ्वी का सेंटर है, केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसके पॉइंट का हम लोग एंगल मेजर करते हैं। जो यहां पर एंगल होता है उसको हम लोग यहां लिखते हैं। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि ये 1 डिग्री है, तो यहां पर लिखा जाएगा 1 डिग्री। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारा कि लेटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट मेजर्ड इन डिग्री। डिग्री में मेजर करते हैं, और कहां से लेते हैं एंगल? सेंटर ऑफ द अर्थ लेते हैं, और कहां पे लेना है? सरफेस पे कोई पॉइंट लेना, उसका डिस्टेंस निकालना है हमको, एंगुलर डिस्टेंस, उसे ही हम लोग बोलेंगे लेटिट्यूड। अब जैसे इस वाली लाइन पे लिखा है 30 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां से देखा जाए ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, तो देखा जाए तो इक्वेटर के पैरेलल है, तो 30 डिग्री एंगल कैसे बन गया? डाउट आपके माइंड में आएगा। तो ये जो 30 डिग्री एंगल है ये ऐसे मेजर करा गया कि यहां से लाइन ड्रॉ की गई है यहां तक, और फिर ये जो इक्वेटर है तो इक्वेटर से ऐसे एंगल मेजर करा गया, उसको यहां ना लिखकर यहां लिखा गया है। तो ये 30 डिग्री कहां से है? इस लाइन का एंगल अर्थ के सेंटर से और इक्वेटर से मेजर किया गया है। तो ये हमारा जो यहां पे लिखा होता है 30 डिग्री 60 डिग्री, इसका मीनिंग ये है। अब इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन। इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमी स्फीयर। अर्थ को दो जो है अर्ध गोलों में, हेमी स्फीयर में डिवाइड करता है, द नॉर्दर्न हेमी स्फीयर एंड साउदर्न हेमी स्फीयर। जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोई स्फीयर है, ठीक है, इसके बीचों बीच इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ की जाए, काल्पनिक रेखा ड्रॉ की जाएगी जो कि अर्थ को दो भागों में बांटेगी। ऊपर का एक भाग रहेगा, इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, उत्तरी अर्धगोलार्ध, और नीचे वाले को हम लोग दक्षिणी अर्धगोलार्ध बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। तो इस तरीके से इक्वेटर हमारा जो हो जाएगा सबसे बड़ा लेटिट्यूड हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा इसका डायामीटर बन रहा है इस स्फीयर का। तो स्फीयर का डायामीटर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। अगर हम लोग कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो उसमें किसी जीवा को या हम कॉर्ड को कहें तो कॉर्ड में जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो डायामीटर होता है, डायामीटर सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इक्वेटर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा डायामीटर या लैटिट्यूड हो जाएगा, यहाँ पे उसे लैटिट्यूड बोला जा रहा है। तो इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, इट इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ये क्या है? लैटिट्यूड की सबसे लंबी रेखा है। इससे क्या होगा? दो भागों में अर्थ डिवाइड होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी अर्धगोलार्ध और दक्षिणी अर्धगोलार्ध। ऑल पैरेलल लाइंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड एज पैरेलल्स।
इन्हें हम लोग पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड भी कहते हैं। मतलब आप लेटीट्यूड कहिए सिंपली या पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, क्योंकि पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड कहेंगे तो इन्हें हम लोग पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड भी कह सकते हैं और लेटीट्यूड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर के साथ पैरेलल बने हुए हैं। क्या है ये? पैरेलल बने हुए। तो पैरेलल बने इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ जाता है, अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया था कि जो लेटीट्यूड होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या नहीं करते हैं, या लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, लॉन्गिट्यूड आगे आएगा, वो क्रॉस करते कि नहीं करते। तो आप यहां से देखें, इन्हें हम लेटीट्यूड को कहते ही है पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, मतलब वो समानांतर हैं। तो समानांतर जो रेखाएं होती हैं, जो पैरेलल लाइंस होती हैं, वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है। इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो ये बात हुई। अब हम लोग देखते हैं लेटीट्यूड्स आर मेजर्ड, ये हो गया। द पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड एक्सटेंड फ्रॉम द इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ पोल। अब जो हमारा ये इक्वेटर है 0 डिग्री इसको बोलते हैं, इससे आगे की ओर यहां से ऐसे 1 2 3 होते हुए इस पॉइंट तक जब पहुंचेगा नॉर्थ पोल तक, तब यहां तक आते आते ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए जो इक्वेटर से लेटीट्यूड होते हैं वो एक साइड में 90 डिग्री तक एक्सटेंड होते हैं और दूसरे साइड में भी 90 डिग्री तक एक्सटेंड होते हैं। तो आप यहां से समझ लीजिए कि कितने लेटीट्यूड बन जाएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बन जाएंगे 90 लेटीट्यूड, और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी बन जाएंगे कितने 90, और जो इक्वेटर है ये भी तो 0 डिग्री वाला एक सेंटर पे है तो 1A। अब इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 181, 90 प्लस 90 प्लस 1, यानी कि 181 जो है लेटीट्यूड हमारे होते हैं। क्वेश्चन आया है कि जो हमारा ग्लोब या जो अर्थ है उसको कितने लेटीट्यूड में डिवाइड किया जाता है, तो आपका आंसर होगा 181 में, 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 साउदर्न हेमिस्फीयर में, और एक इक्वेटर को भी काउंट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स, कुछ इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स, जैसे टोटल लेटीट्यूड्स 181 है लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमको समझना है अच्छे से। तो बिसाइड द इक्वेटर, इक्वेटर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स है जो कि हमारा 0 डिग्री पर है। तो इक्वेटर हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड है जो कि 0 डिग्री पर है। और इसके बाद हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे कर्क रेखा बोलते हैं। अब ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में ये रहेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ में रहेगा ये। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। और ये हमारा है अंटार्कटिक सर्कल एट 60.5 डिग्री साउथ। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है जिसमें जो हमारा एकदम बीच में है, सेंटर में है, इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर हमने अभी आपको बताया कि अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर देता, ऊपर का जो है गोलार्ध है हेमिस्फीयर है उसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। अब इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ दिखाया गया है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, फिर ये इस तरीके से दिखाया गया, आर्कटिक वाला 66.5 डिग्री नॉर्थ में, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इसे मकर रेखा बोला जाता है, ये 23.5 डिग्री साउथ में रहेगा। अंटार्कटिक सर्कल 66.5 साउथ में रहेगा। अब इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनका इंपॉर्टेंस है टेम्परेचर को कैलकुलेट करने में, या हम लोग किसी भी प्लेस की जो क्लाइमेट है वहाँ का जो वेदर कंडीशन है, जो क्लाइमेट कंडीशन है उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हमको लेटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और किसी प्लेस का यदि हमें डेट या टाइमिंग कैलकुलेट करना है कि वहाँ पे क्या टाइमिंग रहेगा या क्या डेट रहेगी उस प्लेस की, तो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं लॉन्गिट्यूड से। तो टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं हम लोग लेटीट्यूड से। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मान लीजिए कि ये कोई हीटिंग बॉडी है या सन है, यहाँ से रेज आएंगी,
अब जो रेज डायरेक्ट पड़ेंगी, डायरेक्ट आएंगी ऐसे, एक तो ये डायरेक्ट आएंगी, दूसरा अगर मान लीजिए कोई प्लेस दूर है तो यहाँ पे ये स्लेंट हो जाएंगी, ये तिरछे होकर के आएंगी। तो जो रेज डायरेक्ट आती हैं सीधी, तो उनका जो एनर्जी और जो लाइटनिंग होता है, जो हीट और लाइट होता है, जो हीट प्लस लाइट, ये ज़्यादा रहेगा। और जो स्लेंट हो जाएंगी, जहाँ तिरछे जाएंगी, वहाँ पे हीट कम होगी और जो है लाइट भी कम होगी, यहाँ पे लेस होगा। ये जो हीट एंड लाइट है ये कम होगा, और इनका जो ये है हीट एंड लाइट ये ज़्यादा होगा। तो जो रेज सीधे आ रही हैं वो जिस पॉइंट पर गिरेंगी वहाँ पर हीटिंग और लाइटनिंग ज़्यादा होगा, और जो रेज स्लेंट जा रही हैं वो जिस पॉइंट पर गिरेंगी वहाँ पर हीटिंग और लाइटनिंग कम होगा। अब ये हमारी अर्थ है। अब ये जूम करिए, आप कल्पना करिए कि यहाँ पर सन है, ये सन है, तो इसकी जो रेज है ये इस तरीके से आती हैं। अगर ऐसे आती हैं तो इक्वेटर पे सीधे डायरेक्ट पड़ती हैं। जब इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज पड़ेंगी तो यहाँ पर हीटिंग और लाइटनिंग ज़्यादा होगा, और जो इसका जो रेड कलर दिखाया गया है ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर हीट और लाइटनिंग ज़्यादा है। और जैसे जैसे ये कलर कम होता जा रहा है, उसका ये रिप्रेजेंटेशन है, ये प्रदर्शित करता है कि उधर हीट और लाइट कम होती जा रही, क्योंकि अब इस साइड की ओर जो रेज जाएंगी वो स्लेंट जाएंगी, ऐसी तिरछे जाएंगी, जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगी और तिरछी हो जाएंगी, जिससे यहाँ पे क्या होगा, लाइट और हीट कम आएगी। इसलिए जो ये पोल वाला रीजन रहेगा, नॉर्थ पोल, और ये रहा हमारा साउथ पोल, ये वाला रीजन ठंडा होता जाएगा। इसलिए पोल्स पर बर्फ जमी होती है, क्या होता है, आइस जमी होती है, आइस फ्रीज होता है, यहाँ पे फ्रिजिड जोन होता है। अब इसमें ये जो टेम्परेचर जोन है वो फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन और टॉरेड जोन। टॉरेड जोन जो है वो इक्वेटर के पास का जोन है, मतलब कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और फिर टेम्परेट जोन है, इसमें क्या रहेगा, मीडियम टेम्परेचर रहेगा। और जो फ्रिजिड जोन है एकदम लो टेम्परेचर रहेगा, फ्रीजिंग की कंडीशन रहेगी, जो है बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। तो ये वाला रीजन बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, फिर ये हमारा मीडियम टेम्परेचर रहेगा, और ये हमारा बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा। अब इससे क्या होता है आगे, कि जो टेम्परेचर है किसी प्लेस का, उसको डिसाइड करने के तीन फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और वाटर बॉडीज। लैटिट्यूड का हमने इफेक्ट आपको बताया कि जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ बढ़ेंगे। अब इसमें यह भी समझना कि हायर का क्या मतलब है। ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये हमारा लोअर लैटिट्यूड कहलाता है, और पोल की तरफ हम लोग जब जाते हैं तो ये हमारा हायर लेटीट्यूड होता है। तो पोल वार्ड में जब जाते हैं पोल की तरफ तो हाई उच्च अक्षांश होते हैं, और नीचे जो इक्वेटर की तरफ होता है तो वो हमारे निम्न अक्षांश होते हैं। इधर भी हमारा हाई रहेगा क्योंकि ये भी हम इक्वेटर से दूर की तरफ जा रहे हैं। तो जो लेटीट्यूड है उसका इफेक्ट टेम्परेचर से हमने आपको बता दिया। अब आता है एल्टीट्यूड का इफेक्ट। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, क्या होता है, हाइट, हाइट। तो जैसे जैसे किसी प्लेस की हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ती है तो वहाँ पे टेम्परेचर गिरता है। जैसे आपने जो हिमालयाज रीजन है उनकी हाइट नॉर्मल प्लेन से ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, इसलिए वहाँ पे बर्फ जमती है। इसमें क्या रीजन है कि जो सन से रेज आती हैं वो आपने पढ़ा होगा कि वो जो सन रेज रेज होती हैं, जो हीट ट्रांसफ़र के मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो जो रेडिएशन होता है उसे मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे सन से रेज आती हैं तो ये सीधे पहले अर्थ सरफेस पर के आके गिरती हैं, फिर यहाँ से ये रिटर्न होती हैं, बैक होती हैं, इसके बाद ये जो है गर्म करती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो सन से रेज आती हैं सबसे पहले अर्थ सरफेस पे आती हैं, वो जब वहाँ से पहले आ रही होती हैं तब हीटिंग नहीं करती हैं, जब वो रिटर्न बैक होती हैं तब वो हीटिंग करती हैं। तो जो प्लेस पहले मिलता है उसे ज़्यादा हीटिंग करती हैं, फिर जो धीरे जो ऊंचे की ओर जाता है, हाइट बढ़ती जाती है, तो प्लेस बाद में आता है तो उसकी हीटिंग कम हो जाती है। इसीलिए जैसे जैसे कोई ये मान लीजिए प्लेस है, अब यहाँ पर हीटिंग ज़्यादा होगी और ऊपर जाएंगे कम होगी, और यहाँ जाएंगे बहुत कम होगी।
तो जैसे जैसे जो माउंटेन होते हैं, हिमालय है या हमारे कोई और हाइट वाले रीजन है, तो वहां पर टेम्परेचर लो हो जाता है। तो एक हमारा एल्टीट्यूड का इफेक्ट पड़ता है, दूसरा हमारा पड़ता है वाटर बॉडीज का इफेक्ट। वाटर बॉडीज का इफेक्ट क्या होता है कि किसी प्लेस के पास यदि कोई लार्ज वाटर बॉडी है, जैसे ओशियन है, सी है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि बॉम्बे, बॉम्बे जो है अरब सागर के अराउंड है, मतलब कि जो है सी है, वहाँ से समुद्र लगा हुआ है, तो बॉम्बे का जो टेम्परेचर रहेगा वो ना तो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा ना बहुत ज़्यादा लो रहेगा, मॉडरेट कंडीशन रहेगी। क्यों? क्योंकि जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट हो जाता है किसी प्लेस के रिस्पेक्ट में। तो वाटर बॉडीज अगर है तो टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा। अब आपने ये क्वेश्चन ये भी पढ़ा होगा आगे चल के कि जो बेंगलोर है, बेंगलोर हमारा जो है इस तरीके से अगर इंडिया का डायग्राम बनाएं साउदर्न इंडिया का, तो बेंगलोर यहाँ पर पड़ेगा। अब ये जो बेंगलोर है ये नीचे हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और ये किसी वाटर बॉडीज के पास भी नहीं है, फिर भी इसका टेम्परेचर क्या होता है कि लो होता है। ये लो क्यों होता है? क्योंकि जो बेंगलोर है ये जो नॉर्मल प्लेन है उससे 1000 फिट ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर ये बॉम्बे का टेम्परेचर डिसाइड करने में हाइट कॉन्सेप्ट काम करता है, एल्टीट्यूड का इफेक्ट लगता है। और बॉम्बे का टेम्परेचर कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर वाटर बॉडीज का इफेक्ट लगता है। तो इस तरीके से अगर किसी प्लेस का टेम्परेचर हमें जानना है तो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और वाटर बॉडीज, इन तीन चीज़ों को हमें जानना होता है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे हमारा इक्वेटर है तो पूछा जाता है कि इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से गुजरता है, कौन सी कंट्री से पास होता है। तो इक्वेटर हमारा जो है 13 कंट्रीज से होकर के जाता है, जिसमें क्या है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम एंड प्रिंस, गबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरबाती। तो ये हमारी 13 कंट्रीज हैं, इसको हमें अपने माइंड में रिमेंबर करना है, याद रखना है, क्योंकि पूछा जाएगा कि इक्वेटर बताओ किस कंट्री से नहीं गुजरता है, तो 13 याद करना है, इसके अलावा जो भी होगी उससे नहीं गुजरेगा। तो ये हमारी इतना याद करना है। अब इसके बाद हमारा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कितने कंट्री से गुजरता है, 16 कंट्रीज से गुजरता है। इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, जैसे हम लोग UAE बोलते हैं, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मैक्सिको, बहामास, मोरितानिया एंड माली। ये हमारी 16 कंट्रीज हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, पास होता है। फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो जो मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो कहाँ से पास होती है, तो वो 10 कंट्रीज से पास होती है, जिसमें क्या है, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, परगवे, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मदागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारी 10 कंट्रीज हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होता है, 16 कंट्रीज हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, और इक्वेटर से 13 कंट्रीज से इक्वेटर पास होता है। नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपने अभी पढ़ा यहाँ पे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से भी पास होता है, तो अब यहाँ पे इंडिया के लिए ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो है टोटल 8 स्टेट हैं, 8 राज्यों से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है, तो उनका कौन कौन सा है वो नाम हमें याद रखना है। उसमें क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब इस डायग्राम में जो ये डॉटेड लाइन दिखाई गई है, ये डॉटेड लाइन इस तरीके से, यही हमारी जो है कर्क रेखा है, या हम कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इस डायग्राम में आप यहाँ से देखें तो ये रहा गुजरात, ये यहाँ पे रहा राजस्थान, इसका थोड़ा सा हिस्सा से क्रॉस होता है, फिर ये मध्य प्रदेश, फिर ये छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो इस तरीके से हमने
इसको देखा। तो आज हमने लैटिट्यूड के जो कुछ बेसिक पॉइंट हैं उसको पढ़ा। अब इसका जो दूसरा पोर्शन है लॉन्गिट्यूड, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और हमारी इसी तरीके की वीडियो को आपके पास पहुंच सके उसका नोटिफिकेशन, उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, और जो है आपको लाइक एंड कमेंट करना है, और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें हमारे वीडियोज को शेयर करना है। धन्यवाद।